हाय गाइस, आज मैं आपको चूरमा, जिसे भुर्रा भी कहते हैं, वह बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले घी और गेहूं का आटा लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप घी और आधा शेर गेहूं का आटा लिया है। पहले हम कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, फिर उसमें घी डाल के घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फिर हम उसमें गेहूं के आटे को डालकर अच्छी तरह से मिलाते हुए चलाएंगे, जिससे घी में आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, वरना यह नीचे से चिपक जाएगी और जल जाएगी। दो तीन मिनट बाद हम देखेंगे कि इसका कलर धीरे धीरे लाल होने लगा है। इससे घी डालकर भूनने से इसमें एक अलग सा सौंधापन आता है, जिससे खाने में यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे हम केले के प्रसाद पे या ऐसे भी खा सकते हैं। ज़्यादातर इसे हम प्रसाद के रूप में ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ, क्योंकि यह कहीं चिपक नहीं जाए। देखिए, मेरे चूरमे का कलर धीरे धीरे लाल हो रहा है। इसे लगातार चलाते रहना। इस बात पर ध्यान देना है कि अगर इसे हम चलाते हुए छोड़ देंगे चलाना, तो गेहूं का आटा महीन होने के कारण नीचे से चिपक के जल जाएगा। मैंने इसमें आधा सेरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। घी में भुनने के कारण यह बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं अगर कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए गाइस, यह धीरे धीरे लाल होने लगा है। अब हमारा चूरमा पूरी तरह लाल हो चुका है। अब यह तैयार हो चुका है। देखिए, इसमें एक अलग सा रेडनेस आ गया है, जिससे इसमें एक अलग सा सौंधापन आया है। इसे हम अब एक थाल में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसे हम ध्यानपूर्वक निकाल लेंगे कि कहीं गिर के भी खा न जाए। इसे पूरे थाल में अच्छी तरह से निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी कढ़ाई इसलिए काली हुई, क्योंकि मैंने इसमें खुद अपने हाथों से पहले देसी घी बनाया था, जिस कारण वो चिपक गया हुआ और कढ़ाई काली हो गई है। अब मैंने इसे अच्छे से थाल में निकाल लिया। मैंने इसमें मिश्री के दाने और मूंगफली के दाने डाले हैं। इस पर से मैं गुड़ मिला रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मीठापन के लिए शक्कर और चीनी कुछ भी मिला सकते हैं। देखिए गाइस, जब हमारा चूरमा तैयार है, आप इसे प्रसाद के रूप में या नॉर्मली कैसे भी खा सकते हैं।